मल्टी लेवल गवर्नेंस में हमने देखा कि बहुत से डिफरेंट फंक्शंस और प्रोसीजर्स होते हैं और बहुत एक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं एट द डिफरेंट लेवल्स और द डिफरेंट टीयर्स, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो है वो डेवलप होता है, क्योंकि वो इनकी इंटर कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल कोऑपरेशन की वजह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में इजाफा हो जाता है। अब मल्टी लेवल गवर्नेंस के अगर फ़वाद हैं तो उनके प्रॉब्लम्स भी हैं, और उनके प्रॉब्लम्स जो दो मेजर हैं उसमें एक लेजिटिमाइजेशन का मसला है और दूसरा कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज़ का प्रॉब्लम है। मल्टी लेवल गवर्नेंस जो है वो एक फेडरल यूनिटरी पॉलिटिकल सिस्टम से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, क्योंकि फेडरल यूनिटरी सिस्टम में आपके पास एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है और एक स्टेट जो है वो एक एब्सोल्यूट पावर रखती है और उसी को वो ऑपरेट करती है, अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है और रिसोर्सेज को अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। पॉलिसी मेकिंग भी उसके पास होती है, इम्प्लीमेंटेशन भी वो अपनी मशीनरी के थ्रू ही कर रही होती है। जबकि मल्टी लेवल गवर्नेंस में डिसेंट्रलाइजेशन होती है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होती है, ऑपरेशंस मल्टीपल लेवल के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस और एक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सो गवर्नमेंट के अगर सिस्टम को देखा जाए तो उसके दो बेसिक सिस्टम ही होते हैं, जिसमें पॉलिसी मेकिंग और उसकी कोऑर्डिनेशन या इम्प्लीमेंटेशन होती है। सो इन्हीं दो फीचर्स को अगर हम मल्टी लेवल गवर्नेंस में देखें तो वो एक मसला होते हैं इस पर्टिकुलर सेटअप ऑफ गवर्नेंस में, क्योंकि लेजिटिमाइजेशन ऑफ जो प्रोसेसेस होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है गवर्नेंस का, जो लीगल सपोर्ट देता है डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को, मैकेनिज्म्स को फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज़ है, जो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हो रही होती है, और मल्टी लेवल गवर्नेंस में क्योंकि मुख्तलिफ टीयर्स और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें मसाइल भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। इन फेडरल यूनिटरी पोलिटिकल सिस्टम देर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिसीजन मेकिंग यूनिट्स एंड सोसाइटी फॉर लेजिटिमाइजेशन ऑफ प्रोसेस। अब अगर हम एक टिपिकल फेडरल यूनिटरी सिस्टम देखें, जहाँ पर इलेक्शन के थ्रू एक पोलिटिकल गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है या इलेक्ट होती है, और फिर उसके बाद वो अपने डिफरेंट जो प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व होती है और गवर्नेंस में इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे सिटीजन्स के साथ या सोसाइटी के साथ उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और वहाँ पर जो उसके रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर में इन्वॉल्व होते हैं और वो लोगों के ओपिनियन को लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उन्हीं ओपिनियन की बेसिस के ऊपर पॉलिसीज़ भी डेवलप हो रही होती हैं। सो देर इज़ अ डायरेक्ट लिंक और द रिलेशनशिप इन दिस पर्टिकुलर सेटअप। ऑन द अदर हैंड, अगर आप मल्टी लेवल गवर्नेंस में देखें, जहाँ पर मल्टीपल यूनिट्स में काम हो रहा होता है और मल्टीपल लेवल के ऊपर पावर शेयरिंग और अथॉरिटी शेयरिंग हो रही होती है, सो वहाँ पर जो हकूमत का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता फॉर लेजिटिमाइजेशन ऑफ प्रोसेस। उसमें इलेक्शन तो आपको नज़र आते हैं। अगर हम यूरोपियन यूनियन की एग्जांपल लें या यूरोप की एग्जांपल लें, जो यूरोपियन यूनियन के डिफरेंट मेंबर्स हैं वो सारे यूरोप के मुल्क, सो वहाँ पर इलेक्शंस तो आपको हर मुल्क में नज़र आएंगे, लेकिन वो इलेक्शंस करवाने के बाद जो डिसीजन मेकिंग या लेजिटिमाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जिसमें बहुत से काउंसिल्स और कमीशंस इन्वॉल्व होते हैं, जो डायरेक्ट सिटीजन्स के साथ एक कम्युनिकेट नहीं करते या उनके साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होता। सो ये एक प्रॉब्लम है जो आपको मल्टी लेवल गवर्नेंस में नज़र आता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो ये है कि उसमें अकाउंटेबिलिटी भी डायरेक्ट नहीं होती। आप फेडरल यूनिटरी सिस्टम में देखें तो अगर हुकूमत डायरेक्टली लोगों से वोट मांगने आती है या उनके फीडबैक के ऊपर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो और वो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं, और अकाउंटेबिलिटी भी डायरेक्ट हो सकती है कि एक पॉलिटिकल सोसाइटी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इसमें, और उसके बाद वो उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को क्वेश्चन भी कर सकती है कि उन्होंने उनको डिलीवर किया या नहीं, या उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन रेज कर सकती है। लेकिन मल्टी लेवल गवर्नेंस में क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और बहुत से काउंसिल्स और कमीशंस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिप्रेजेंटेटर्स डायरेक्टली सिटीजन्स के साथ कम्युनिकेशन में या इंटरेक्शन में नहीं होते, और इसी वजह से वो अकाउंटेबिलिटी भी डायरेक्ट नहीं होती। और इस तरह के सेटअप में जो मल्टी लेवल गवर्नेंस होती है, वहाँ पे जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना या उस इंस्टीट्यूशन का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए और इंश्योर करने के लिए।
Parliament is directly elected by citizens in federal unitary system, in political system. अगर हम पाकिस्तान की example देखें तो यहाँ पे जब elections होते हैं तो provincial assembly के members भी elect होते हैं और national assembly में भी होते हैं और फिर वो लोग senate के members को भी elect करते हैं. So वो direct vote लेके parliament तक पहुँचते हैं और फिर अपने voters की जो फीडबैक या उनके ओपिनियन होता है उनकी बेसिस के ऊपर वो कोशिश करते हैं कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपने इलाकों में लॉन्च कर सकें, वो रिसोर्सेज वहाँ इन्वेस्ट कर सकें, वो पॉलिसी मेकिंग करवा सकें ताकि अपने लोगों के मसाइल हल करें. सो जब वो वापस अपने इलाकों में आते हैं तो लोग उनको उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर दोबारा से वोट दे सकते हैं या उनको रिजेक्ट कर सकते हैं या उनको क्वेश्चन कर सकते हैं. तो दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल इन दिस पर्टिकुलर सेटअप. लेकिन अगर हम यही सिचुएशन जो है वो एक मल्टी लेवल गवर्नेंस में एनालाइज करें, जिस तरह यूरोप है, तो आप ब्रिटेन के एग्जांपल ले लें तो वहाँ पर इलेक्शंस जो हैं वो वोट जो वहाँ के लोग हैं वो वोट तो ज़रूर देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो वोटिंग के बाद जितनी भी पॉलिसी मेकिंग या लेजिटिमाइजेशन होती है वो इनडायरेक्ट तरीके से होती है. अभी रिसेंटली हमने एक ब्रेक्सिट का एग्जांपल देखा जिसमें एजेंडा ये था कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर रहेगा या नहीं रहेगा, और उसके ऊपर पूरे यूरोप से लोगों ने वहाँ और जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे उन्होंने उसके ऊपर वोट किया और अपना ओपिनियन जो है वो बिल्ड किया, और फिर ये डिसाइड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंडम कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा और अब यूरोपियन यूनियन के जितने भी लीगल फ्रेमवर्क्स हैं वो ब्रिटेन के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे. सो ये वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू ओपिनियन बिल्ड किया गया लोगों का या ओपिनियन मांगा गया और उसके ऊपर हुकूमत ने एक डिसीजन किया. अब वो जो एक सेपरेशन है ब्रिटेन की फ्रॉम यूरोपियन यूनियन वो इंक्रीमेंटल है, जिसमें बहुत सी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ब्रिटेन के इन्वॉल्व हैं और उसमें वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लीगल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और पहले बहुत सी बाइंडिंग्स जो ब्रिटेन के ऊपर थी ड्यू टू द मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन वो अब इन फ्यूचर नहीं होंगी. वो अपनी इकोनॉमिक रिसोर्स शेयरिंग नहीं कर सकेंगे, वो और भी बहुत से मामलात में जो है वो यूरोपियन यूनियन को यूज़ नहीं कर सकते एज अ प्लेटफॉर्म फॉर सॉल्विंग दोज इशूज. सो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है मल्टी लेवल गवर्नेंस में जिसमें इंस्टीट्यूशनल रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एट द डिफरेंट लेवल्स और द टीयर्स. कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज जो है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मल्टी लेवल गवर्नेंस में. इसमें फेडरल यूनिटरी सिस्टम में अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन है तो वहाँ पर एक सेंट्रल बॉडी जो है वो काम कर रही होती है और वो सेंट्रल बॉडी जो है वो इसको डील करती है और इसी वजह से वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम होती हैं. लेकिन मल्टी लेवल गवर्नेंस में जो डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर काम हो रहा होता है सो पॉलिसी इनपुट भी मुख्तलिफ यूनिट्स से और मुख्तलिफ लेवल से आ रहा होता है और उनकी कोऑर्डिनेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है फॉर डेवलपिंग और डिवाइजिंग एन इफेक्टिव पॉलिसी. लेकिन वहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगी, प्रॉपर प्रोसीजर्स और रूल्स के मुताबिक नहीं होगी या उसमें इनफॉर्मेलिटीज़ होंगी तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे और इफ़ेक्टिवनेस और एफिशेंसी को इंश्योर नहीं किया जा सकेगा. Multi-level governance has overlapping jurisdiction due to involvement of multiple levels. जब multiple levels एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ coordinate करते हैं या interact करते हैं तो obviously उनकी power sharing भी होती है और उनकी jurisdiction भी कई जगह पर common हो रही होती है, जिसकी वजह से बहुत सी overlapping होती है और वो confusion और complexities को भी जन्म देती है जो कि efficiency को negatively affect कर सकते हैं. सो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज मैकेनिज्म आपके पास नहीं होता, इनफॉर्मल चैनल्स ज़्यादा होते हैं फॉर्मल चैनल्स की नस्बत जो कि आपको एक टिपिकल गवर्नेंस सिस्टम में नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस उतने फॉर्मल या बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स को फॉर्मली फॉलो नहीं किया जाता. तो इन सारी बेसिस के ऊपर जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं मल्टी लेवल गवर्नेंस के, वो कंप्लायंस का भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेशन का भी हो सकता है, वो लेजिटिमेसी का भी हो सकता है, और वो पोलिटिसाइजेशन और फ्रेगमेंटेशन का भी हो सकता है. ये वो डिफरेंट इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं जो मल्टी लेवल गवर्नेंस में हम ऑब्जर्व करते हैं और इनकी जो आउटकम्स हैं या इनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं गुड गवर्नेंस को इन दिस पर्टिकुलर सेटअप.